नमस्कार, शुरुआत की नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, नेचुरोपैथी मतलब नेचर, नेचर मतलब प्रकृति, प्रकृति मतलब वो सारी चीजें जो जीवन के अंदर, संसार के अंदर, समाज के अंदर है, वो इस चैनल पर प्रोवाइड होती है। जहां ज्ञान की बात है, जहां मैसेज की बात है, जहां समझ की बात है, वो सारी चीजें हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको प्रोवाइड करें। अभी कल मैंने एक फिल्म देखी, पद्मावत, जिया बड़ी चर्चा थी। अरे साहब, ये है उसमें, ये है उसमें, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। पहली बात तो ये, एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं, जब से 26 तारीख के बाद से 27, 28, 29 आप देख लीजिएगा, इन 3 दिनों में किसी भी चैनल पर, किसी भी न्यूज पर करणी सेना का कोई जिक्र नहीं है। वो कहां गई, उनका आंदोलन कहां गया, वो कहां गए पता नहीं। पिक्चर रिलीज हो गई तब हो गई, मीडिया जो है वो कुछ नहीं बोल रहा। बड़ी बड़ी दलीलें हो रही थी, बड़े बड़े बहुत गालियां दी जा रही थी एक दूसरे को, भरा बुरा, मतलब जो कहा जा सकता था वो कह रहे थे। पद्मावत को इतना हाइप कर दिया मीडिया ने, झूठे मीडिया ने, और करणी सेना के लोगों ने, और मिली जुली राजनीति दलों ने, सबने मिलकर उस फिल्म को इतना हाइप कर दिया कि वो फिल्म लोगों को लगा कि देखनी चाहिए। अरे कमाल की फिल्म होगी, पता नहीं क्या बवाल होगा उसके अंदर, क्या कर दिया होगा। मैंने कल 3D फिल्म देखी, विश्वास मानिए आप, आपने ना तो पद्मावती, ना उसका राजा रतन सिंह, आपने बेसिकली वो फिल्म बनाई है खिलजी के लिए, अलाउद्दीन खिलजी के लिए, जिस जो आपको पसंदीदा लग रहा है, और आपने उसको हीरो बना दिया। मतलब आज भी इस युग में औरत भोगने की चीज है या साधन की चीज है, ये बता दीजिए आप। आप उस आरंकक, मतलब ऐसा आक्रांत फैला हुआ है उस गुंडे का, उस आतंकी अलाउद्दीन खिलजी का, कि वो शुरू से ही, मतलब एक से शादी कर रहा है लेकिन रेप दूसरे का कर रहा है, और उसके बाद चाचा का कत्ल कर रहा है, फिर मतलब ऐसे आदमी को आप दिखाकर फिल्म में क्या दिखाना चाहते हैं? आप किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं? और औरत को मारने की बात करते हैं, जलने की बात करते हैं, क्यों? एक डिस्क्लेमर लिखने से कि आप सती प्रथा का विरोध करते हैं और ये करते हैं, और उसके बाद आप पूरी घटना को दिखा दें। अरे आज तो औरत इतनी आगे निकल चुकी है, इतनी तरक्की कर रही है औरत, औरत कहां से कहां पहुंच गई, और आप उसको आज भी उसी इस तरह की सब्जेक्ट क्यों बनाते हैं? आपके सेट, आपकी कॉस्ट्यूम्स, आपकी लाइटिंग, उसके ऊपर आपने तवज्जो दी। अब परफॉर्मेंस को क्या कहें, परफॉर्मेंस को? मैं तो कहता हूं कि मुझे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लगी लड़के की और लड़के की, रतन सिंह की और इसकी। अरे नेगेटिव करेक्टर करने के लिए आपको करना क्या है? जो जरूर आप कर सकते थे आपने उसमें किया और करवाया, आपने आपने उसको हीरो बना दिया। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, एक फिल्म आई थी तनुजा चंद्र ने बनाई थी, उसका नाम था संघर्ष। उसमें आशुतोष राणा को उसने हीरो बना दिया, था वो विलेन। आप कहानी जिसके इर्द गिर्द बनते हैं वो नायक होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसी को नायक बना दिया और किसी को नायिका बना दिया, और आपने जो रावण है उसको आपने, अरे क्या है आप कोई, क्योंकि ये राम रावण वाला युद्ध नहीं था कि रावण को आप बहुत दिखाएंगे तो या तो रावण के सामने या तो अलाउद्दीन खिलजी के सामने रतन सिंह को आपने बौना दिखा दिया है। बहुत वीर बहादुर योद्धा होते हैं राजपूत, धोखे से मरवा दिया। और कुल मिला के मुझे समझ में नहीं आया, सर पद्मावत क्या है भाई? गणित था, आपने जो इकट्ठा करना था पैसा कर लिया। एक सीन अच्छा लगा मुझे आपका, जब मगोलों के ऊपर युद्ध करने के लिए जाता है अलाउद्दीन खिलजी, तो पूरी सेना चली जाती है और उसके बाद वो अकेला खड़ा रहता है। देन उसके बाद उसका मूवमेंट शुरू होता है और उस धूल के गुबार में वो घुसता है, और साउंड से आपने खेला है, और उसके बाद उसी में से आपने अपीयर किया है अलाउद्दीन खिलजी को घोड़े के ऊपर उसका सिर कटा हुआ लेकर। दिस इज अ फाइन सीन, एक्सीलेंट। यहां आपने फौज को भी, उस विजुअल्स को बचाया, और
खर्चे को बचा के और एक अच्छी चीज और एक अच्छे तरीके से पेश किया, ये एक आपकी एक अच्छी चीज मुझे लगी आपकी फिल्म के अंदर। बाकी आप आज पुराने आप जो फिल्में बनाते हैं बिल्कुल तो वैसे ही बनाते हैं, जब आप देवदास हो, चाहे आपकी पिछली फिल्म थी अभी जो आई थी या ये फिल्म हो, सर आप और इतने अच्छे अच्छे सब्जेक्ट पे काम क्यों नहीं करते हैं? संजय जी आप बहुत ग्रेट हैं, आपकी मेकिंग बहुत अच्छी है, आप मैं चाहता हूं कि दुनिया भर के सब्जेक्ट और भी, आप कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट क्यों उठाते हैं? आप ऐसे सब्जेक्ट उठाइए ना जो जो आप इंजॉय करा सके, कुछ गुदगुदी पैदा कर सके लोगों के बीच में, लोग आपको आपको एक अच्छा मेकर मानते हैं। बहुत स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं सर, मैं कोई चापलूसी नहीं कर रहा और ना ही मैं आपका विरोध कर रहा हूं। मेरा मानना यह है कि हम समाज में जितने राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि वो समाज को अच्छी चीज दे। अगर आपने रेप दिखाना था उसका कारण दिखाइए, मर्डर दिखाते हैं उसका कारण दिखाइए, उसके पीछे का कारण तो क्या है। अब वैसे ही उल जुलूल उसको किया, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, सबको पता है इतिहास क्या है। इतिहास बहुत ज्यादा बोला हूं तो माफी चाहता हूं, लेकिन दोस्तों आपके कमेंट्स की बहुत जरूरत है। आप अपने कमेंट्स दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो आपका मन करता है कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा घंटी बजा के। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना प्यार भी बनाए रखिएगा और बस हम तो यही कहेंगे कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और मैं इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर बात करता हूँ, करता था, करता रहूंगा। और मैं चाहूंगा कि ये शुरुआत नेचुरोपैथी चैनल जो है, ये आपका अपना चैनल है, हर सब्जेक्ट के ऊपर इसको आपको मिलेगा ज्ञान, मिलेगा मैसेज, मिलेगा कोई गलत बात हम आपको इस मैसेज पर नहीं देंगे, इस चैनल पर नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।